25 दिसंबर को क्रिसमस होता है। आगे पढ़ी जाने वाली खबर का इस लाइन से कोई संबंध नहीं, सिवाय इस बात के कि क्रिसमस की शाम शाहरुख खान ने ट्वीट किया कि वो अबराम के साथ समय बिता रहे थे, थोड़ा समय मिला था और इस बीच वो एक आज के सारके का सेशन रखा था। शाहरुख इस तरह सेशन के जरिए अपने फैंस से बातचीत करते रहते हैं, लोग सवाल पूछते हैं और शाहरुख अपने अंदाज में उनका जवाब देते हैं, जिसमें हिमालय दुबे नाम के यूजर ने पूछा कि पठान जैसी बॉडी बनाने में आपको कितना टाइम लगा, तो शाहरुख ने कहा 57 साल ब्रो। अब तक पठान का टीजर आ चुका है, दो गाने भी रिलीज किए जा चुके हैं और फिल्म के रिलीज होने में अभी पूरा एक महीना है, लेकिन ट्रेलर रिलीज की डेट को लेकर अभी कोई खबर नहीं। इस पर एक यूजर ने पूछा कि पठान का ट्रेलर रिलीज क्यों नहीं कर रहे, तो शाहरुख ने कहा हाँ हाँ मेरी मर्जी, वो जब आएगा तभी आएगा। एक यूजर ने पठान का जूम किया हुआ पोस्टर शेयर किया जहां शाहरुख का किरदार हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है। सवाल किया कि चॉपर चलाना कब सीखा, तो शाहरुख ने जवाब दिया साइकिल चलाने की ट्रेनिंग के साथ साथ। पठान को आने में बस एक महीना बचा है, ऐसे में शाहरुख एक्टिंग तौर पर अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं, फिर चाहे वो ऑडियंस के बीच जाकर हो या फिर सोशल मीडिया में। पिछले हफ्ते भी उन्होंने आस्क एसआरके का सेशन रखा था और झूमे जो पठान से जुड़ा अपडेट शेयर किया था। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पता चलता है कि ट्रेलर की अभी तक कोई कन्फर्म डेट नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ट्रेलर 6 या 7 जनवरी को आ सकता है। इसलिए आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा।